जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले भारत और इंग्लैंड के बीच हुए तीसरे और आखिरी निर्णायक मुकाबले के बारे में, जहां भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। मैन ऑफ द मैच रहे 125 मिनट ओवर तो 125 रन बनाए, वही मैन ऑफ द सीरीज रहे पांड्या ने 71 रन की पारी खेली। भारत ने यह सीरीज 2-1 से जीत लिया है और इस मुकाबले में धवन ने 1, रोहित शर्मा ने 17, कोहली ने 17, पंत ने 125 रन की पारी खेली जिसमें 16 चौके और 2 छक्के शामिल थे। सूर्य कुमार यादव ने 16, पांड्या ने 71 और जडेजा ने 7 रन की पारी खेली। टोपली को 3 विकेट मिला, वहीं कर्स और ओवरटन को 1-1 विकेट मिला। और वहीं दूसरी खबर बढ़ती आ रही है कि भारत का अगला दौरा वेस्ट इंडीज का होगा, जिसमें 3 ODI और 5 T20 मैच खेले जाएंगे। सीरीज की शुरुआत वनडे मुकाबले से होगी, जिसका पहला मैच 22 जुलाई को खेला जाएगा। टीम की अगुवाई शिखर धवन करेंगे। और दूसरी खबर आ रही है कि T20 वर्ल्ड कप का प्लेलिस्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें भारत को ग्रुप 2 में रखा गया है, जिसमें पाकिस्तान भी होगा। और तीसरी और सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इस बार IPL के दौरान कोई भी इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला जाएगा, ICC ने इसकी मंजूरी दे दी है। और अगले साल से IPL पूरे 2.5 महीने की होगी, इसके दौरान कोई भी इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला जाएगा, सभी देश के सभी प्लेयर को IPL में खेलने का मौका मिलेगा। और अगली खबर आ रही है ललित मोदी और सुष्मिता सेन के रिलेशनशिप के बारे में, जहाँ दोनों कपल को खूब ट्रोल किया जा रहा है, जिसके जवाब में सुष्मिता सेन ने एक पोस्ट किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगली खबर आ रही है कि इलियाना डिक्रूज कटरीना कैफ के भाई को डेट कर रही है। कटरीना कैफ इस समय मालदीव में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। वहीं पर की तस्वीरें में कटरीना कैफ के साथ इलियाना डिक्रूज भी दिख रही है। और दूसरी ओर खबर आ रही है कि PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन का खिताब जीत लिया है, जिसकी खुशी में उन्होंने यह ट्वीट किया है। Yeah!